मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, संस्कृत की परंपरा से आया हूं, सनातनी ब्राह्मण हूं, और मैं रेखता के मंच से कह रहा हूं, पूरी हिंदी पट्टी पर पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जो पांच वाक्य बिना उर्दू का शब्द इस्तेमाल किए बोल दे। और मैं ऐसा बहुत देखता हूं कि नारे लगाने वाले बाद धर्म का परचम लहराने वाले लोग, अबे कितना भी धर्म का परचम फैला लो, गर्लफ्रेंड को एसएमएस भेजेगा तो उसमें एक शेर तो उर्दू का देगा भाई। कितना भी नाम बदल ले शेर, अब ऐसा किया कर कि जब गर्लफ्रेंड को अपना एक उर्दू का शेर भेज दिया कर तो उसके बाद अपने आईफोन को गंगा जल में धो लिया कर। हम तो बद्रीनाथ गए थे, रास्ते में केदारनाथ जी गए थे, वहां भी गजल गाते जा रहे थे, और हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है नगमा जी, हमने अभी वो गंगा स्तुति तैयार की शंकराचार्य की, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, तो वो जब तैयार की वो हमारे दो दोस्त हैं हमारे म्यूजिक बैंड में, एक जफर भाई हैं जो कंपोजर हैं और एक आमिर भाई हैं तबला बजाते हैं, उन दोनों ने तैयार की। रमजान के दिन थे, एक दिन शाम को जफर ने आके मुझसे बड़ी प्यारी बात कही, मुझसे बोला सर बड़ा गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? बोले सर वो इतने दिन से धुन बना रहा हूँ, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, इतनी धुन बनाई है, इतना म्यूजिक लगाया है कि आज शाम को नमाज पढ़ने जा रहा था तो अंदर मस्जिद में जाते हुए देवी उर्दू को खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गालिब के लिए, हिंदी और उर्दू वालों थोड़ा सा ढीला छोड़ दो भाई, ये उर्दू को ना इसमें मत बांधो कि ये जबान आपने ऐसी कर ली इसमें, और ये आएगा, ये दूसरी जबान के शब्द आएंगे। देखिए रात भैया का शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो गिलास, गिलास लफ्ज क्या है? गिलास पुर्तगाली का शब्द है। कमरा, कमरा शब्द क्या है? पुर्तगाली का लफ्ज है। कमीज पुर्तगाली का शब्द है। अगर पुर्तगाली जबान के शब्द आए तो हिंदी से इतना परहेज क्यों? हिंदी भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, और हिंदी की परस्तिश के पीछे कोई मजहब नहीं और ना उर्दू के पीछे कोई धर्म है। पर अफसोस तो ये हिंदू बांट दिया गया ना कि मुसलमान की हो गई उर्दू और हिंदी हो, वो लोग उर्दू के कातिल हैं। रामपुर घराने का एक शेर है, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं।